हेलो स्टूडेंट्स, हम जो है 12th क्लास का डिफरेंशिएशन चैप्टर कर रहे थे। 5.7 के क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिया था। आज हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 है। इफ वाई इज इक्वल टू 5 cos x - 3 sin x, प्रूव दैट d²y/dx² + y = 0। हमें y की वैल्यू गिवन दी है और हमें ये प्रूव करना है जो ये टर्म है ये जीरो के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए जो हमें y दिया पहले ले लेंगे, हेयर y इज इक्वल टू 5 cos x - 3 sin x। हमें इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि जो हमने प्रूव करना है उसमें d²y/dx² हमें चाहिए। तो इसको पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई की डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी dy/dx, 5 कॉन्स्टेंट, कॉस एक्स की डिफ्रेंसिएशन -sin x - 3, साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स। याद रहेगा मेरे पास, ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -5 sin x - 3 cos x। ये तो बात होगी dy/dx की, लेकिन हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए इसका, तो इसकी डबल डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। इसकी फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हो जाएगा d²y/dx² = -5 कॉन्स्टेंट, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स -3 कॉन्स्टेंट, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन -sin x। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यह जाएगा -5 cos x - (-)+3 sin x। ये हमारे पास आ गया डबल डेरिवेटिव की वैल्यू। आ गई हमें जो है इस क्वेश्चन में प्रूव करना था d²y/dx² + y = 0, हमें प्रूव करना था। अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले लें दोनों में से, तो अंदर क्या बचेगा, 5 cos x, प्लस की जगह क्या जाएगा, -3 sin x। ये हो जाएगा माइनस ऑफ, अब आप ध्यान से देखिए कि 5 cos x - 3 sin x ये हमें गिवन किसके बराबर दिया था, y के बराबर, तो इसकी जगह क्या आ गया, y आ गया। रीजन क्या आएगा, यूज इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंगली इसकी जगह हमने y लगा दिया। अब राइट साइड जो है माइनस y है, जब वो लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस y बन जाएगा। देयरफोर ये बन जाएगा आपका था d²y/dx², ये -y इधर आके क्या हो गया, +y, राइट साइड कुछ नहीं बचेगा, क्या जाएगा, 0। यही तो हमें प्रूफ करना था, हेंस द प्रूफ। ये हमारा रिजल्ट आ गया, यही हमें प्रूफ करना था। तो इस क्वेश्चन में आपको दो बार जो है इसको डिफ्रेंशिएट करना है, और काफी इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, इफ y इज इक्वल टू cos inverse x, फाइंड d²y/dx², डबल डेरिवेटिव इसका निकालना है इन टर्म्स ऑफ y अलोन। मतलब के जो हमने डबल डिफरेंशिएशन इसकी करनी है और जो हमारा आंसर आना चाहिए उसमें सिर्फ y ही होना चाहिए, मतलब उसमें x वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, सारा आंसर अपना y में होना चाहिए, y अलोन का ये मतलब है। तो सोल्यूशन इसका देखिए, हेयर y कितना दिया हमें, cos inverse x। अब वहां पे cos inverse है, इधर आके cos हो जाएगा, ये हो जाएगा cos y = x, या इसको लिख सकते हैं x = cos y। y = cos inverse x था, cos inverse इधर आएगा तो cos y हो जाएगा और x = cos y बन गया। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएट कर दो। जब y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, dx/dy, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं। cos y की डिफरेंशिएशन क्या होती है, -sin y, और y के रिस्पेक्ट तो वन ही आएगी। ये हमारा आ गया dx/dy, हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए y का, इसलिए इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल्स। तो दोनों साइड लेंगे, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी रेसिप्रोकल्स, ये बन जाएगा dy/dx
इज इक्वल टू माइनस साइन वाई का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक वाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक, पता है आपको टेंथ में भी पढ़ा है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स ही है, तो हमें एक्स के रिस्पेक्ट ही करना है इसको। तो डी वाई बाई डी एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर, यह बन जाएगा डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस का माइनस कोसेक वाई। कोसेक वाई की डिफरेंशिएशन क्या होती है माइनस कोसेक वाई कॉट वाई, और वाई की हम एक्स के रिस्पेक्ट करें तो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। यह बन जाएगा आपका डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू, ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, यह आ गया कोसेक वाई, दूसरा आ गया कॉट वाई, और आगे डी वाई बाई डी एक्स है, इसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन वन की, तो क्या वैल्यू थी माइनस कोसेक वाई माइनस कोसेक वाई, ये बन जाएगा माइनस कोसेक इंटू कोसेक क्या हो गया कोसेक स्केयर वाई इंटू कॉट वाई, ये आपका आंसर आ गया। और ये जो आंसर आया है इसमें सिर्फ वाई में ही आंसर है आपका, कहीं भी एक्स वगैरह नहीं है। देखो ये कोसेक के भी वाई में है कॉट भी वाई में, तो यही बोला था उन्होंने कि आपका इसका जो आंसर आना चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ वाई ही होना चाहिए। तो इस तरह से करना है वेरी इजी, वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, यहां से पहले एक्स की वैल्यू निकाल ली चाहे एक्स इज इक्वल टू, तो अब हमने इसको आगे डिफरेंशिएट कर दिया। और भी तरीके हैं करने के, इसको यहीं पे आप एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करके भी कर सकती हो, फिर यहां वन बन जाता कॉस की माइनस साइन वाई और वाई की डी वाई बाई डी होती, फिर साइन को उतर ले आते तो वन अपान साइन फिर से कोसेक बनता, तो वैसे भी यही बनेगा। और अगर हम इसको वाई के रिस्पेक्ट करेंगे फिर भी यही बनेगा। फिर हमने इसकी डबल डिफरेंशिएशन निकालनी है, डबल पूछा है हमने कि जब वापस डी वाई बाई डी एक्स आया तो उसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर देनी है, और लास्ट जो आपका आंसर होना चाहिए वो सारा आपका वाई में ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ वाई इज इक्वल टू 3 कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। हमने इसमें प्रूव ये चीज करनी है एक्स स्क्वायर वाई टू। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि वाई वन वाई टू का मतलब क्या है। वाई वन का मतलब होता है वाई को एक बार डिफरेंशिएट करना, और y2 मतलब होता है कि y को दो बार डिफरेंशिएट करना, मतलब y1 का मतलब dy by dx और y2 का मतलब d square y by dx। अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा dy by dx या y1 लिखा हो या y dash लिखा हो, इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएशन। अगर ऐसे लिखा हो d square y अपॉन dx square y2 या y double dash, इसका मतलब दो बार डिफरेंशिएशन, और so on 333 लिखा होगा तो ट्रिपल डैश होगा, वाई थ्री होगा, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब होगा, तो तीन बार उसकी डिफरेंशिएशन। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, हमें इक्वेशन दी है वाई इज इक्वल टू 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। आप अपने प्रॉपर नोट्स भी साथ साथ बनाते जाइए जो ये वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम में काफी हेल्प हो जाएगी फिर अपने नोट्स होंगे बदले में। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है, हमें y1 भी चाहिए और y2 भी चाहिए, y भी चाहिए, y तो हमारे पास गिवन है, तो y1 के लिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। यहां लिखना है आपने डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो y की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, या तो हम इसको लिखते हैं dy by dx, लेकिन हम यहां पे किसे लिखेंगे इसको y1 से, जिस हिसाब से क्वेश्चन में दिया, अगर डैश के अकॉर्डिंग दिए तो हम डैश से जाते, तो y1 इज इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट, कॉस की डिफरेंशिएशन क्या होती है माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स, और लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है वन अपॉन एक्स, प्लस 4 कांस्टेंट साइन की डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ लॉग एक्स, और लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स, ये हो गया। अब एक बार ध्यान दीजिए, यहां पे भी एक ये टर्म है और ये टर्म है, यहां पे भी अपान में एक्स है, यहां भी अपान में एक्स है, दोनों में से वन अपॉन एक्स नीचे डिनोमिनेटर में एक्स आ जाएगा, और हम उस एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, नीचे एक्स आएगा और उसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा हमारा एक्स वन, इसको छोड़ देते हैं, हम इसी से लेना देना है जो भी है, ये आपका बचेगा माइनस 3 साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस 4 कॉस ऑफ लॉग एक्स।
आई होप आपको ये समझ आया होगा, यहां भी डिनोमिनेटर में x है, यहां भी डिनोमिनेटर में x है, दोनों का डिनोमिनेटर जो x था हमने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ये आपकी आ गई एक इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वही गेट। फिर से बता रहा हूं इन क्वेश्चनों को करने के दो दो तरीके हैं। आप एक तरीका और भी है इसका करने का कि आप एक ही बार में ये अलग अलग वैल्यूज निकालो, फिर इस वैल्यू इन वैल्यूज को इसके लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो, फिर तीनों को प्लस करो तो जीरो आ जाएगा। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका जिस हिसाब से हम कर रहे हैं इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर होगी आपके दो फंक्शन एक्स और वाई वन, तो यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। एक्स को छोड़ के जब वाई वन की डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई वन की डिफरेंशिएशन क्या होती है वाई टू, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, वैसे ही वाई वन की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी वाई टू, प्लस फिर वाई वन को छोड़ के एक्स की डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट वन। किसके रिस्पेक्ट करते हैं डिफरेंशिएशन ये लिखना बहुत जरूरी है। यह आ जाएगा माइनस थ्री कॉन्स्टेंट साइन ऑफ लॉग एक्स की, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस होगी, कॉस ऑफ लॉग एक्स, और लॉग एक्स की क्या होगी वन अपन एक्स, प्लस फोर कॉन्स्टेंट कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स, और लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स। ये हो जाएगा एक्स वाई टू प्लस वाई वन इज इक्वल टू, अब फिर से दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है एक्स है, और ऊपर आ जाएगा माइनस थ्री कॉस ऑफ लॉग एक्स माइनस फोर साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस। ये जो डिनोमिनेटर में एक्स है इसको दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब ध्यान से देखना जब इस एक्स को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो ये एक्स इधर तो नहीं था, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू, और जब ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा एक्स वाई वन इज इक्वल टू, यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, दोनों में से माइनस क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा थ्री कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस फोर साइन ऑफ लॉग एक्स। ये डिनोमिनेटर वाला एक्स हमने लिखा क्यों, क्योंकि हमने इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, तभी ये एक्स का एक्स स्क्वायर बन गया, और यहां पर एक्स था नहीं एक एक्स आ गया। ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू माइनस, ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखी है ये किसके बराबर है, ये गिवन दिया था आपको थ्री कॉस लॉग एक्स प्लस फोर साइन लॉग एक्स, इसकी वैल्यू क्या थी वाई, तो इसकी जगह क्या गया वाई, यूज इक्वेशन फर्स्ट। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, ये माइनस वाई इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, यही तो हमें जो है प्रूफ करना था, हेंस द रिजल्ट, हेंस द रिजल्ट या हेंस द प्रूफ, ये आपका प्रूफ आ गया। तो एक बार डिफरेंशिएट फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट, यहां पे प्रोडक्ट रूल गलती बिल्कुल नहीं करनी आपने, यहां पे यहां प्रोडक्ट रूल, फिर जो डिनोमिनेटर में एक्स आएगा उसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहां राइट साइड माइनस कॉमन लेने के बाद जो है आपका गिवन फंक्शन बन जाएगा, उसकी जगह वैल्यू पुट कर देनी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर वाई इज इक्वल टू दिस प्लस बी ई की पावर एन एक्स, हमें ये गिवन दिया है, इक्वेशन वन मान लेंगे इसको, और ये टर्म हमें प्रूव करनी है, जीरो के बराबर बतानी है पूरी। इसमें डबल डेरिवेटिव भी है, सिंगल डेरिवेटिव भी है, और एम एन वाई भी है, मतलब वाई भी है डी वाई बाई डी एक्स भी है और उसका डबल डेरिवेटिव भी है। तो पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स, ए कॉन्स्टेंट ई की डिफरेंशिएशन ई की एक्स की क्या होती है ई की एक्स की होती है, और एम एक्स की दोबारा करेंगे तो एम एक्स की क्या आ जाएगी एम एक्स की वन, प्लस बी कॉन्स्टेंट ई की एन एक्स की ई की एन एक्स, और एन एक्स की क्या होगी एन, ए कॉन्स्टेंट ई की एक्स की डिफरेंशिएशन ई की एक्स की होती है, और वापस एम एक्स की दोबारा करेंगे तो एम आ जाएगी, और दूसरी जगह एन एक्स की करेंगे तो एम आएगी। ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एम ई की एम एक्स प्लस बी एन ई की एन एक्स, इक्वेशन नंबर सेकंड, हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स भी आ गया। अब हम जो है इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स के, ए कॉन्स्टेंट एम कॉन्स्टेंट e की एम एक्स की e की एम एक्स, और फिर एम एक्स की एम चेन रूट से, प्लस b कांस्टेंट n कांस्टेंट e की एन एक्स की e की एन एक्स, और फिर एन एक्स की क्या आ जाएगी
ये आ जाएगा आपका डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू ए एम इंटू एम एम स्क्र ई की एम एक्स प्लस बी एन इंटू एन एन स्क्र ई की एन एक्स। इक्वेशन नंबर थर्ड हमारे पास ये जो बन गई। अब हमने क्या करना है, हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, उसमें ये वैल्यूज पुट करनी है और उनको प्लस वगैरह करना है, देखना है जीरो बनता है नहीं, और वो जीरो बनेगा, शो दैट बोला है वो जीरो बनेगा ही बनेगा। तो टेकिंग एलएचएस जो हमें सॉल्व करना है उसका एलएचएस ले लिया, वो क्या है हमारे पास डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस एम एन वाई, ये हमारे पास है, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब जो है इसमें हम वैल्यूज वगैरह सब्स्टिट्यूट करनी स्टार्ट करेंगे। तो डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहां करते हैं, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास डबल डेरिवेटिव की, ए एम स्क्र ई की एम एक्स प्लस बी एन स्क्र ई की एन एक्स माइनस एम प्लस एन, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ए एम ई की एम एक्स प्लस बी एन ई की एन एक्स प्लस एम एन, और वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास ए ई की एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी, डबल डिफरेंशिएशन वाली भी, डी वाई बाई डी एक्स वाली भी, और जो वाई वाली गिवन वैल्यू थी वो भी अपने वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर दी। ये हमारा बन जाएगा विच इंप्लाइज ए एम स्क्र ई की एम एक्स प्लस बी एन स्क्र ई की एन एक्स। हमें ध्यान से देखना है, पहले हम इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे और एम को इन दोनों टर्म से करेंगे, तो माइनस एम ये ए है, ये एम इंटू एम क्या हो जाएगा एम स्क्र ई की एम एक्स, फिर जब इस m को इससे करेंगे b से तो ये माइनस प्लस, फिर से क्या हो जाएगा माइनस b m इंटू एन एम एन ई की एन एक्स, फिर माइनस, फिर n को दोनों से करेंगे a m n e की एम एक्स प्लस, फिर b से करेंगे तो माइनस इंटू प्लस, फिर से क्या हो जाएगा ये माइनस, n को करेंगे तो b n इंटू एन एन स्क्र ई की एन एक्स। हमने सिंपल इसको मल्टीप्लाई किया, दो टर्म इसकी थी और दो टर्म इसकी थी, तो टोटल कितनी बन जाएगी, चार टर्में बन जाएगी, और यहां माइनस था तो सभी टर्में जो है ये माइनस की ही होंगी, प्लस इसको आगे करेंगे ए को करेंगे तो ये हो जाएगा ए एम एन ई की एम एक्स प्लस इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा बी एम एन ई की एम एक्स। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है आपने, सिंपली जो टर्म सिंपल है उनको सीधे लिख देना है, बाकी जो अगर कोई मल्टीप्लाई हो रही है तो उनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे एम प्लस एन को था तो आपने पहले m को दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने n को दोनों से मल्टीप्लाई किया, और यहां माइनस था इसलिए m भी माइनस का हो जाएगा और n भी माइनस का हो जाएगा, ये चारों टर्म भी माइनस किया जाएगा। अब देखिए ये a m स्क्र e की mx ये प्लस का है, ये a m स्क्र e की mx ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से b n स्क्र वाली और b n स्क्र वाली ये प्लस की ये माइनस की कैंसिल हो जाएगी, a m n e m x प्लस माइनस वाली कैंसिल, और ये भी क्या हो जाएगा उसमें कैंसिल, सभी कैंसिल होगी तो क्या बचेगा जीरो विच इज इक्वल टू आर एच एस। प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, इसलिए आपका ये क्वेश्चन जो है प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 15 है नेक्स्ट हमारा, इफ वाई इज इक्वल टू 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x शो दैट डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू 49y। तो हेयर वाई इज इक्वल टू 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y की डिफरेंशिएशन dy by dx 500 कांस्टेंट e की 7x की e की 7x और 7x की फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगी 7 प्लस 600 कांस्टेंट e की माइनस 7x की e की माइनस 7x और माइनस 7x की दोबारा करेंगे तो माइनस 7 ये आ जाएगा 500 इंटू 7 इसको मल्टीप्लाई नहीं करना आप ई की 7x प्लस इंटू माइनस माइनस 600 इंटू 7 इंटू ई की पावर माइनस 7x। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हमारा आ गया डी वाई बाई डी एक्स, हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र 500 कांस्टेंट 7 कांस्टेंट e की 7x की डिफरेंशिएशन क्या होती है e की 7x और 7x की फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगी 7 माइनस 600 कांस्टेंट 7 कांस्टेंट
e की माइनस सेवन एक्स की e की माइनस सेवन एक्स और माइनस सेवन एक्स की क्या हो जाएगी माइनस सेवन, ये हो गया 500, 7 इंटू सेवन 49, ई की 7x माइनस इंटू माइनस प्लस 600, 7 इंटू सेवन 49 ई की पावर माइनस 7x। इन दोनों टर्मों में से एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है 49, अंदर आ जाएगा 500 ई की 7x प्लस 600 ई की माइनस 7x, ये हो जाएगा 49। ये टर्म किसके बराबर है, हमें गिवन दी थी 500 e की 7x प्लस 600 e की माइनस 7x y की बराबर, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा y, यूज इक्वेशन फर्स्ट, तो देयरफॉर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 49y। अब आप शायद समझ भी गए होंगे कि हमने यहाँ पे 7 को मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि दो बार 7 आएगा डायरेक्ट हम वहीं से 49 जगह कॉमन निकालेंगे। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो तो भी ठीक है, यहाँ पे आके फिर से मल्टीप्लाई करोगे फिर बाद में 49 कॉमन निकालना है, तो उससे बेटर रहेगा कि आप 7 को अलग रखो, फिर 7 आएगा वो 49 बन के बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, e की पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हमें दिया है, हमें ये शो करना है डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्केयर, ये प्रूव करना है हमें, तो ये हमें गिवन है। यहां से e की पावर y की वैल्यू क्या आएगी 1, ये टर्म मल्टीप्लाई लगा के क्या हो जाएगी डिवाइड 1 अपॉन x प्लस 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट e की पावर y की डिफरेंशिएशन क्या होती है e की y होती है, और y की दोबारा करेंगे तो क्या आएगी, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं इसलिए dy / dx इज इक्वल टू ये आ गया 1 अपॉन x, 1 अपॉन x की डिफरेंशिएशन क्या होती है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर आप इसको क्वेश्चन प्रूफ लगा के करोगे तो भी ठीक है, वो भी ऐसी यही आएगी, डिनोमिनेटर को छोड़ के न्यूमिनेटर ही करोगे तो जीरो हो जाएगी, फिर माइनस न्यूमिनेटर को छोड़ के डिनोमिनेटर ही करोगे तो वन ही आएगी अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, या फिर सिंपल डिफरेंशिएशन में बार बार फार्मूला यूज ही होता है डी बाई डी एक्स अब 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वही माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर, और जब इसकी चेन रूट से वापस करेंगे तो वो 1 ही आती है, ये आ जाएगा e की पावर y की जगह वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन में 1 से, क्या वैल्यू की 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर, बिकॉज e की पावर y इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 इक्वेशन में, इक्वेशन 1 की वैल्यू यूज कर दी। अब ध्यान से ये x प्लस 1 एक ये और एक ये कंसिडर करो, यहां पे दो थे, या आप इसको राइट से ले जाओ ऊपर चला जाएगा फिर एक एक कट जाएगा, इज इक्वल टू सेम सेम कैंसिल हो गया, यहां से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी आपकी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब इसको हम जो है फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की डिफरेंशिएशन डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस बाहर ही रहेगा, यहां फिर से 1 अपॉन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है माइनस 1 अपॉन एक्स स्केयर, एक्स प्लस 1 का क्या हो जाएगा ये स्केयर, ये हो जाएगा डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, ये आ गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्केयर, ये हमारे पास आ गया, ठीक है जी। ये इक्वेशन हम मान लेते हैं थर्ड मान लेते हैं, तो हमारे पास डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू होगी 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्केयर, हमें इसको इसके बराबर प्रूव करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स की हमने वैल्यू निकाली है, तो लिखते हैं स्केयरिंग इक्वेशन सेकंड बोथ साइड्स, इक्वेशन सेकंड को दोनों साइड से स्केयर कर दो, तो ये क्या बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का स्केयर, और जब इसको स्केयर करेंगे तो माइनस का स्केयर क्या हो जाएगा प्लस 1 का स्केयर 1, और x प्लस 1 का स्केयर क्या हो जाएगा x प्लस 1, इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि एक तो हमें ये वैल्यू चाहिए थी हमने निकाल ली, दूसरी हमें ये वैल्यू चाहिए, तो ये हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला है उसको हमने स्केयरिंग कर दिया, माइनस का स्केयर क्या हो जाएगा प्लस और x प्लस 1 का ही है। अब हमें इन दोनों को इक्वल बताना था, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड
एंड फोर्थ वी गेट, देखो इसकी राइट साइड और इसकी राइट साइड दोनों की इक्वल है, तो रूल है अगर दोनों टर्मों की, दोनों इक्वेशंस की राइट साइड इक्वल हो तो लेफ्ट भी क्या होती है, इक्वल होती है। देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, हेंस द प्रूफ। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब इसमें एक क्वेश्चन आपका बचता है 17th, जो अभी हम करते हैं। इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन जो है 17th वाला, इफ वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई वन इज इक्वल टू टू। ये जो है हमें प्रूव करना है। अब आपको इसमें पता होगा कि वाई वन और वाई टू का मतलब क्या है, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किया था एक वाई वन का मतलब एक बार डिफ्रेंसिएशन, वाई टू का मतलब दो बार डिफ्रेंसिएशन। तो इसका सोल्यूशन हम करेंगे, हियर वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो लिखना है आपने। वाई की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगी, वाई वन, यहां पे वाई वन और वाई टू से डिनोट किया, हम भी इसी तरह से करेंगे। टेन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, टू एक्स, वैसे इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगी, टू टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स की फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगी, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लग गया, पावर पहले और पावर में से एक कम, जब टू माइनस वन करेंगे तो वन आएगा, और एक्स की जगह जो भी फंक्शन होता है उसकी दोबारा करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर यह आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन इज इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स, इसको पूरी को फिर से डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ फिर से हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका, यहां प्रोडक्ट लगेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ के वाई वन की डिफरेंशिएशन y2 प्लस फिर y1 को छोड़ के 1 की डिफरेंशिएशन 0 और x स्क्वायर की 2x इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट tan इनवर्स की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, इसको छोड़ के y1 की y2 प्लस y1 को छोड़ के इसकी डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू राइट साइड में डिफरेंशिएशन करते हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर y2 प्लस 2x y1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये जो डिनोमिनेटर में वन प्लस एक्स स्क्वायर है इसको फिर से हम जो है लेफ्ट साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक वन प्लस एक्स स्क्वायर पहले ही था, एक और आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर दो बन जाएंगे, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, वैसे ही दिस इंटू दिस करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू वाई टू प्लस टू एक्स, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन इज इक्वल टू राइट साइड का बचेगा बड़ा खाली टू, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया होल स्क्वायर हो गया और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, ये मारा गया, और आप ध्यान से अगर देखोगे क्वेश्चन में जाके तो यही तो हमें प्रूफ करना था, हैंस द प्रूफ। तो इस एक्सरसाइज में एक ही बात है कि आपको अगर एक बार डिफरेंशिएशन करनी आती है किसी फंक्शन की तो दूसरी बार आप डिफरेंशिएट उसको आराम से कर लोगे, वही रूल लगेंगे, प्रोडक्ट रूल, क्वोशेंट रूल, लॉग की डिफरेंशिएशन है, और सबसे जरूरी चीज क्वेश्चन में ध्यान रखना कहीं पे चेन रूल में गलती नहीं करना, ये ना हो क्वेश्चन में चेन रूल लगाना हो और आप नहीं लगाओ, जैसे यहां पे 2 पहले आया 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स हो गया, अब x की जगह टेन इनवर्स एक्स था तो इसकी डिफरेंशिएशन दोबारा करनी है, और जो भी रीजन यूज होंगे वो देते रहना यहाँ पे d बाय डी एक्स ऑफ, एक तो x की n का फॉर्मूला लगा n x n माइनस वन, और एक लगा d बाय डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस x के, रीजन जो जो आपको पता है वो आपने सब देने हैं क्वेश्चन में, डिफरेंशिएट जहां पे किया है किसके रिस्पेक्ट किया है वो चीज जरूर लिखनी है, पेपर में एक ही क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज में से, उसको आपने अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.7। नेक्स्ट जो वीडियो हमारी होगी वो 5.8 पे होगी, जिसमें दो थ्योरम्स हैं, एक है रोल्स थ्योरम और एक है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये दो थ्योरम्स हैं, इस पे बेस्ड अगली एक्सरसाइज होगी 5.8 जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको 5.7 जो है समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।